अध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा, हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोले, सदन की परंपराओं के अनुसार बोले, अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करें तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब 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 आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूँ। मैं शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी ना इंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है